जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। मैं हूँ सुमित राणा। तो एक इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेट हैव द राइट टू कैंसिल द एग्ज़ाम बट कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट विदाउट एग्ज़ाम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया है जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट है वो एग्ज़ाम को होल्ड तो कर सकता है, एग्ज़ाम को कैंसिल तो कर सकता है, लेकिन बिना एग्ज़ाम के किसी भी छात्र को वो प्रमोट नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रमोट नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी फॉर कैंसिलिंग एग्ज़ाम इन दैट अ पर्टिकुलर स्टेट विल प्रिवेल ओवर द UGC डायरेक्शन। तो भैया, जो किसी भी स्टेट में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनको कैंसिल करने का और उनको छात्रों को प्रमोट करने का ये रहेगा, किसके डायरेक्शन पर रहेगा? ये आपका UGC के डायरेक्शन पर रहेगा। ठीक है, स्टेट कैन नॉट बी प्रमोट स्टूडेंट विदाउट होल्डिंग एग्ज़ाम। तो स्टेट है वो एग्ज़ाम को होल्ड कर सकता है लेकिन छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकता है। इफ़ एनी स्टेट हैज़ टेकन अ डिसीजन दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू होल्ड एग्ज़ाम वी ग्रांट देम लिबर्टी टू अप्रोच UGC टू सीक एन एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन। तो डेडलाइन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो सिंपल बात ये है, ये समझना चाहिए हमको कि स्टेट है वो आपके एग्ज़ाम को होल्ड कर सकता है लेकिन छात्रों को प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, छात्रों को प्रमोट करने का काम है वो UGC के द्वारा किया जाएगा। एग्ज़ाम्स आर मैंडेटरी, पहला पॉइंट क्या है? एग्ज़ाम्स हैं वो आपके क्या है? मैंडेटरी है। नॉट अ कंपल्सरी टू होल्ड एग्ज़ाम बिफोर सितंबर 30 सितंबर से पहले आप एग्ज़ाम नहीं रोक सकते हैं। स्टेट कैन आस्क UGC फॉर एक्सटेंशन। स्टेट है वो क्या काम करेगा? UGC से पूछेगा कि एग्ज़ाम की डेट्स को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। ठीक है, वैसे डेडलाइन कितनी है आपकी? 30 सितंबर है। SC वर्डिक्ट, द डिसीजन बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर द DM Act टू नॉट होल्ड द एग्ज़ाम शैल प्रिवेल। और स्टेट हैव द राइट टू कैंसिल द एग्ज़ाम बट कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट विदाउट एग्ज़ाम। ठीक है, बिना एग्ज़ाम कराए आप छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर कैंसिलिंग एग्ज़ाम इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी बात रही। इसमें सिंपल बात ये है, पूरा जो इंग्लिश में लिखा है उसका एक ही मतलब है कि स्टेट है वो आपके एग्ज़ाम को होल्ड कर सकता है लेकिन छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकता है, जैसे कि प्रमोट करने की बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी बहुत सारे संस्थानों द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपके जो DLED की परीक्षाएं हैं वो भी होंगी। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपके एग्ज़ाम हैं वो होंगे तभी आप अगली कक्षा में पहुंचेंगे। ठीक है, बिना परीक्षा दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और UGC का डायरेक्शन है। सो दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी है, हमारे पेपर होंगे तभी ही हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।